हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट में क्रिसमस ट्री को बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से ट्राइंगल्स लेते हैं, राइट। यहाँ से सॉलिड कलर लेंगे, कलर वन और कलर टू दोनों में ही क्या ले लेंगे, हम ग्रीन कलर्स को लेंगे, राइट। और यहाँ पर हम एक ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर देंगे। सेकेंड ट्राइंगल्स हम यहाँ से बनाएंगे, राइट, ये देखिए इस तरीके से। और थर्ड ट्राइंगल हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए क्रिसमस ट्री के लिए हमारे ये बन चुका है। इसके बाद हमें दोनों में ही क्या कौन सा कलर लेना है, ब्राउन कलर, राइट, चॉकलेट कलर भी जिसे आप बोलते हो, राइट। दोनों में, कलर वन में भी या कलर टू में भी, इससे लेने से हमें बेनिफिट होगा, हमें कलर फिल नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारा फिल होके आ जाएगा। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं, स्टार बनाएंगे एक। इसके लिए हमने कलर वन और कलर टू दोनों में कौन सा कलर को लिया है, रेड कलर को लिया है, राइट। यहाँ से देखिए हम यहाँ पर रेड कलर से एक स्टार को ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम येलो कलर्स लेंगे, राइट, और यहाँ से पेंसिल की मदद से यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, या फिर लाइन की मदद से। लाइन से थोड़ा ईजी पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से हमने एक यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर दिया, राइट। ये देखिए बिल्कुल यहाँ से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है ऐसे, थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, राइट। एक हमने येलो कलर से ड्रॉ किया है, एक लाइन को हम रेड कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। अब अपने हिसाब से कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए डबल यहाँ पर आउटलाइन हो गई है, राइट। चाहो तो आप कर्व की हेल्प से कर्व भी बना सकते हो, जिससे आपको सुंदर लगे, राइट। ये देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ से हम ब्रश को ले लेंगे, राइट। ब्रश जो रेड कलर के हैं वो हम यहाँ से ब्रश को थोड़ा सा साइज इसका ज़्यादा कर लेंगे, इंक्रीज। और यहाँ से देखिए डॉट लगाएंगे, येलो के ऊपर जहाँ हैं वहाँ हमने ये रेड कलर के डॉट लगाए हैं, राइट। ये देखिए इस तरीके से आपको डॉट लगाने हैं। ये देखिए कंप्लीट जो हमारा यहाँ पर है, थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर रहे हैं जिससे कि हमारा सुंदर लगने लगे, राइट। ये देखिए थोड़ा सा बस यहाँ से इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर रेड कलर के लगाए हैं, डाउन साइड में हम कौन से कलर के लगा देंगे, येलो कलर के। इसी तरीके से हमने यहाँ से येलो कलर को सिलेक्ट किया है और नीचे की साइड हमने कैसे लगा दिया, येलो कलर का। जब हमारे ये डॉट कंप्लीट हो जाए तब हम यहाँ पर क्या लेंगे, स्टार, ठीक है। स्टार शेप को आपको यहाँ से लेना है, कलर आप अपनी पसंद का यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, राइट। और यहाँ पर छोटे छोटे से हम स्टार भी बना सकते हैं, यहाँ पर हम चाहे तो सर्कल भी बना सकते हैं, इससे थोड़ा सा ये सुंदर लगने लगे, ठीक है, इस तरीके से। ये देखा आपने, बिल्कुल सिंपल मेथड से हमने ये क्रिसमस ट्री बनाया है, राइट। इसके बाद हम यहाँ से येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे, राइट। येलो कलर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है और थोड़ा सा इसको यहाँ पर शेप, ब्रश को शेप को लिया है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर एक यहाँ पर डॉट बना देंगे स्टार, जिससे कि हमारा सुंदर लगने लगे। ये देखा आपने क्रिसमस के ऊपर हमने बिल्कुल सुंदर से क्रिसमस ट्री बनाया है, बिल्कुल ईजी मेथड से, ठीक है, कोई टफ नहीं है ये, राइट। इसके बाद इसको थोड़ा हम डेकोरेट कर देते हैं। इसके लिए हम यहाँ से रेक्टेंगल्स लेंगे और यहाँ पर एक लाइन्स, ब्लैक कलर की एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नो फिल, आप सॉलिड कलर नहीं करेंगे, सॉलिड कलर करेंगे तो फिल होके आ जाएगा, जो हमारा बैक कलर नंबर टू में कलर सेलेक्ट होगा, राइट। ये देखिए इस तरीके से हम एक लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए जैसे आप चाहते हो, राइट। इस तरीके से एक बन गया हमारा, राइट। कोई भी आप बेस में यहाँ पर कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड में जो सुंदर लगे, ठीक है, जो भी आपको यहाँ से सही लगे। कलर टू में, कलर वन में सेलेक्ट करना और कलर का बेस हम यहाँ से दे सकते हैं, जो भी हमें सही लगेगा। देखिए राइट, ये देने के बाद हम थोड़ा इसको भी थोड़ा सा यहाँ से डेकोरेट कर सकते हैं, स्टार लगा के। इतनी शेप्स है हमारे पास, ये देखिए कोई भी हम शेप्स को लगा के यहाँ से इसको थोड़ी सी डेकोरेशंस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर, इसको क्योंकि क्रिसमस है इसलिए हमने यहाँ पर स्टार का ही यूज़ किया है डेकोरेट करने के लिए, राइट। कलर आप यहाँ से अपनी पसंद का कोई भी कलर एक सेलेक्ट कर लेना। और ये देखिए कोई भी स्टार ले सकते हो यहाँ से, ये भी ले सकते हो, राइट। ऐसे छोटे छोटे से यहाँ पर बना सकते हो आप, राइट। यहाँ से सॉलिड कलर कर दोगे तो फिल्म में भी हो क्या जाएगा। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से यहाँ पर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, इससे थोड़ा सुंदर लगने लगेगा।
थोड़ा सा यहाँ से हम बैकग्राउंड में भी यहाँ पर सारे में दे देंगे अगर, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पर शेप, जैसे हमारी ये शेप है राइट, ये शेप, इसमें हमने कलर वन में और कलर टू में, दोनों में कलर को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और एक यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया है शेप को, जो हमारी ये डायमंड की शेप है इसे ड्रॉ कर दिया है। इसको कॉपी करेंगे, पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हम राइट, कॉपी करेंगे राइट, और कलर टू में पहले यहाँ पर हम वाइट कलर कर देंगे और यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर ऐसे लगा लिया है। अब इन दोनों को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे राइट, और कॉपी पेस्ट करेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया है मैंने, कंट्रोल बी से यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे हम शेप चाहें वैसे हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए ये जैसे हमने यहाँ पर ये लगाई है, इस कंप्लीट को अब हम सेलेक्ट करके मूव करके हम वहाँ पर रख सकते हैं। चाहे तो हम सिंगल भी लगा सकते हैं और चाहे तो हम अपने हिसाब से जैसे चाहते हैं वैसे भी इसको लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर लगा लिया है राइट। अब इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम इसकी कॉपी करेंगे और पेस्ट करके हम वहाँ पर लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ पर पेस्ट किया, ये देखिए यहाँ पर लगा दिया है। अगेन हम इसको पेस्ट करेंगे तो इसी क्या है, पेस्ट करने से हमें बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा राइट। इस तरीके से आपने देखा ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें डिजाइन को ड्रॉ ऐसे करके भी लगा सकते हो और भी सुंदर लगेगा। चाहे तो नीचे को लगा दो, चाहे आप ऊपर करके लगा दो, कवर्ड करके लगा दो राइट। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बॉर्डर मिल गया है हमें। अब इसमें हम थोड़े से डॉट दिखा देते हैं, यहाँ से सर्कल ले लेंगे यहाँ पर रेड कलर में राइट, और यहाँ से छोटे छोटे से कंट्रोल के साथ प्लस से जब हम करेंगे तो हमारा सर्कल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ठीक है। यहाँ से साइज कम चेंज कर लेंगे राइट, यहाँ पर छोटे छोटे से बस सर्कल को हमें डॉट पे क्लिक करना है राइट। ये देखा आपने किस तरीके से हमने क्रिसमस ट्री को ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं हैप्पी क्रिसमस, इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हैप्पी क्रिसमस। पहले हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे जिस कलर से हम लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर को सेलेक्ट किया राइट, और यहाँ से हम फॉन्ट का साइज को इंक्रीज कर लेंगे जितने साइज में हम लिखना चाहते हैं राइट। यहाँ मैसेज डाल देंगे हैप्पी क्रिसमस राइट, कैपलॉक ऑन कर लेंगे जिससे कि ये कैपिटल लेटर में लिखे राइट हैप्पी क्रिसमस। लिखने के बाद हम इसको कंप्लीट को जो है सेलेक्ट कर लेंगे, जो हमारे कंप्लीट लिखा हुआ है ये देखिए। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं राइट, कलर बदलना चाहे तो कलर भी बदल सकते हैं और साइज इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ से हम साइज को भी और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं राइट। जब हमने साइज इंक्रीज किया है ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से हम ठीक है, इस तरीके से हम इसमें क्रिसमस ट्री को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं राइट। इसके बाद हम चाहते इसको इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट टूल की हेल्प से, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको हम यहाँ कहीं पर भी रख सकते हैं राइट। क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में यहाँ पर कलर टू में येलो कलर था इसलिए यहाँ पर येलो हो गया है। इसमें हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वाइट कलर को फिल कर देंगे। यहाँ से ब्रश लेंगे और यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करके यहाँ फिल कर देंगे। इस तरीके से हम क्रिसमस ट्री को इजीली माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ड्रॉ कर सकते हैं। हैप्पी क्रिसमस ट्री।